आप लोगों के पास एक इस टाइप का पेन ड्राइव होगा जिसके थ्रू आप डिजिटल सिग्नेचर करने वाले हैं। इसे पहले अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट करने के बाद हम माई कंप्यूटर खोलेंगे। माई कंप्यूटर खोलने के बाद हम अपना पेन ड्राइव खोलेंगे जो हम इंसर्ट किए थे। उसमें ये सॉफ्टवेयर है, इसे हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद लोकेशन चाहिए तो नेक्स्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन आता है CSP का, हम प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे। फिर ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब हम गूगल क्रोम खोलेंगे। अगर ये आप में से इस टाइप का वार्निंग आता है तो आप इसे यस कर दीजिए। उसके बाद हम गूगल से एडोब एक्रोबैट रीडर DC डाउनलोड करेंगे। ये सॉफ्टवेयर हमें चाहिए PDF खोलने के लिए। अगर ये आपके पास पहले से है तो अच्छा है, नहीं है तो फिर इसे डाउनलोड कर लेंगे। इसका दो वर्जन आता है, प्रो और नॉर्मल। हम नॉर्मल वाला डाउनलोड करते हैं। इसकी ऑप्शनल फीचर थे जिसे मैंने हटा दिया है, अब इसे मैं डाउनलोड करता हूँ। ये मेरा डाउनलोड हो गया है, अब इसे मैं इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद इसे फिनिश करके इसे क्लोज करेंगे। उसके बाद हम लोग पास टोकन मैनेजर खोलेंगे जिसे हमने स्टार्टिंग में इंस्टॉल किया था। उसका इंटरफेस हमें इस तरह मिलेगा। फिर उसमें हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उसमें पासवर्ड डालना होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 128 पासवर्ड होता है, तो 2345678 पासवर्ड डाल के इसे हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम वो PDF खोलेंगे जिसे हमें साइन करना है, जिसमें डिजिटल सिग्नेचर। तो खास बात ये है कि जो PDF है उसे हम एक्रोबैट रीडर DC में खोलना है जिसे हमने इंस्टॉल किया था अभी। इसे खोलने के बाद हम टूल्स में जाके यहाँ सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ डिजिटली साइन पे क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे। फिर हमें जहाँ साइन करना है वहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे लेफ्ट क्लिक करके, जितना एरिया हमें चाहिए। उसके बाद ओके करने के बाद हमारा साइन शो करने लगेगा। फिर यहाँ कंटिन्यू करेंगे, फिर हमारा प्रॉपर साइन शो करेगा। फिर यहाँ पर साइन क्लिक करेंगे। साइन क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपसे लोकेशन मांगा जाएगा जहाँ पर आपको इस PDF को सेव करना है। तो मैं जैसे लोकेशन दे देता हूँ, डेस्कटॉप पे मुझे सेव करना है। ये सेव डेस्कटॉप इस नाम से पहले से था तो उसे मैंने यस कर दिया, रिप्लेस कर दिया फाइल को। अब मुझसे पिन मांगा जाएगा, तो पिन सेम रहेगा 128। देखते हैं मेरा डिजिटल सिग्नेचर कंप्लीट हो चुका है।